भाई ये देखो, यहाँ का देखो डेकोरेशन, यहाँ का देखो। मैंने बोला तो भाई यहाँ पे पटाखे सटाखे जल रहे हैं और यही तो होता है भाई। अरे बाप रे, चार चार नाराज़ान एक साथ। तो भाई की हाल चाल है। और आज है गोवर्धन पूजा का शाम और सुबह मैंने आप लोगों को दिखाया जो, और ये मैं नेक्स्ट दिन डाल रहा हूँ तो ये आप लोगों के लिए नेक्स्ट दिन होगा। तो यार हम लोग अभी चल रहे हैं थोड़ा सा दिवाली वगैरह में। क्या रात में मैं जैसे कि आप लोगों को बोला था कि रात में निकलेंगे करके, तो आज मेरे को जो है जाके टाइम मिला। मेरे फैमिली लोग गाँव गए हुए हैं और आज रात तक आ जाएंगे क्योंकि आज गोवर्धन पूजा, तो गोवर्धन पूजा ना गाँव वगैरह में अच्छे से मनाया जाता है। तो इसीलिए हम लोग भाई अभी रात में निकलेंगे कि हमारा गुरु शहर घूमेंगे, पूरा गुरु घूमेंगे भाई, जितना हो सके उतना कवर करेंगे अपन एरिया, क्योंकि 8 बज चुके हैं और मुझे भी आना है। 9 बजे तक मैं पूरा कंप्लीट करके कैसे भी तैसे आ जाऊंगा और नॉर्मल दिखाऊंगा भाई आप लोगों को कि दिवाली में हमारा गुरु शहर कैसा दिख रहा है। तो आप लोग चलो, आप लोगों को मिलता हूँ सीधा क्या गाड़ी में। तो अभी चलो और अपने भाई को सपोर्ट करो जल्दी से जल्दी, और एक से कंटेंट लाते रहेंगे हम लोग। जैसे जैसे आप लोगों का सपोर्ट बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग का कंटेंट बढ़ेगा। तो भाई अपने लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और चलो मिलते हैं अभी गाड़ी में। चलो सो फाइनली गाइस, हम लोग आ गए हैं अपने हेलमेट में और अपन निकलते ही, ये मैंने जैकेट वगैरह पहन लिया, ये मेरा जिम का अपर है, ये बहुत अच्छा देता है। तो यार भाई अपन निकल रहे हैं और आप लोगों को दिखाते हैं भाई। तो भाई चलू चालू अपन ये खांसी ना, तो भाई चालू अपन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे अपने घर के एरिया से ही और यहाँ पे पूरा लगा हुआ है लाइट वाइट। तो अपन चलते हैं भाई, मैं आप लोगों को दादा दादी के एरिया लेके चलता हूँ, यहाँ पे भी दुकान वगैरह में अच्छा हुआ है। तो यार आप लोगों को दिखाते हैं दिवाली के माहौल कुछ ऐसे होते हैं हमारे पड़ोसी में, समझ रहे हो ना। तो चलो सो भाई ये है देखो, ये मार्केट फिटनेस का सीन है। और भाई मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ ना, लाइफ में ना भाई जो अपने एकदम साथ रहते हैं ना भाई, उन लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे दोस्त होते हैं जो मतलब आपसे क्लोज फ्रेंड होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। वैसे ही मेरी लाइफ में भी एक बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड है भाई, बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड है। वो मुझे ना हमेशा हर चीज़ के लिए मोटिवेट करती है, और क्या है ना कभी मतलब मुझे आइडियाज देना या मुझे मोटिवेट करना, और बहुत अच्छा लगता है। और भाई जो, और वो ना रेगुलर मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो भाई थैंक यू सो मच मेरे क्लोज फ्रेंड बनने के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे हमारे लाइफ में इतने अच्छे क्लोज फ्रेंड होते हैं और इतने समझदार क्लोज फ्रेंड होते हैं। तो यार लाइफ में ना बहुत अच्छी चीज मतलब बहुत अच्छी चीजें सीखने भी मिलती है और बहुत क्रिएटिविटी माइंड भी मिलते हैं, मतलब क्रिएटिविटी चीजों में मन भी लगता है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। तो मैं नाम नहीं लूंगा पर जल्द से जल्द मैं उनको भी ब्लॉग में जल्दी से जल्द लूंगा, तो हम लोग जल्द से जल्द मिलेंगे। और थैंक यू सो मच मेरे साथ हमेशा देने के लिए, हमेशा साथ रहने के लिए, और जो मेरा रेगुलर ब्लॉग देखने के लिए। और जो भी भाई मैं, अब मुझे नहीं पता कि कौन कौन मेरे रेगुलर ब्लॉग देख रहे हैं, क्योंकि और जो भी ब्लॉग देख रहा है तो भाई प्लीज कमेंट कर देना, मैं उनका भी नाम जरूर लूंगा जो भाई मेरे हर वीडियो में कमेंट वगैरह करेगा, तो पता चल जाएगा कि रेगुलर ब्लॉग देख रहे हैं। तो भाई ये देखो यहाँ पे अपना ये महाराजा चौक वाला रोड है, तो चलो आगे मिलते हैं बिना बहवास किए, ठीक है। तो भाई ये मेरा दूसरा घर साइड आ गया, ये मेरे पड़ोस वाले लोग हैं और ये है अपने दादा दादी लोग का घर। लाइट नहीं जला है, झालर नहीं जला हुआ, और यही है भाई मेरा घर। तो मतलब दूसरा घर मान लो, मेरे दादा दादी लोग रहते हैं सब, बुआ दीदी दादा दादी लोग। तो देखो यहाँ पे भी पूरा दिया विया फूल जला हुआ है। और हम लोग ना पहले छोटे थे तो भैया के साथ सब लोग ना कार में जाते थे, देखो पूरा लाइट वगैरह मोहन, और कार में जाते थे और वहाँ मिनी स्टेडियम सब तरफ घूमते थे, तो वहाँ ना बहुत अच्छा अच्छा डेकोरेशन होता है। और ये चीज़ भी, ये वाला घर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो यार अभी अपन चलते ना, ये देखो
तो अभी अपन चलते हैं मिनी स्टेडियम वाले रोड पे, और बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है भाई घर वर को, और होप से वहाँ भी अच्छा अच्छा घर मिले देखने के लिए। और देखो, अरे वाह 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 वाह, चलो यहाँ घुसते, ये वाले गली पे घुसते हैं। सो गाइस ये सब देखो, यहाँ पे भी ना बहुत अच्छा लग रहा है, जो लाइन से जो लाइट वगैरह लगे हुए हैं ना, क्या बात है, मस्त लग रहा है भाई। देखो लाइन से पूरे लाइट वगैरह लगे हुए हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है। देख रहे हो भाई, दिवाली में यही चीज तो अच्छा लगता है, जो रोड में और जो लाइटिंग रहता है ना हर घर पे, बहुत अच्छा लगता है भाई, बहुत अच्छा लगता है कि दिवाली में हर जगह रोशनी रोशनी, नहीं तो बाकी टाइम तो सब नॉर्मल रहता है। ये देख रहे हो पूरा लाइन से घर वर सजा हुआ है, आ हा, क्या लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है भाई, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे रुकता हूँ, वो वाला घर ना बहुत अच्छा लग रहा है, तो वहां पे थंबनेल के लिए मैं फोटो ले लेता हूँ। तो भाई ये रोड है, और आज गोवर्धन पूजा करके ना सब गाँव वाँव में रहते हैं, तो ना इस बार ज्यादा भीड़ नहीं है भाई यहाँ पे, मतलब ये रोड ना, मतलब आज भीड़ नहीं है यहाँ पे, नहीं तो ना रोज भाई इतना रश लगे रहता है ना ये रोड पे, क्या बताऊँ। और अभी भाई एकदम खाली खाली लग रहा है रोड, देख रहे हो पूरा खाली खाली लग रहा है भाई, भीड़ दिख ही नहीं रही, नहीं तो ये रोड में ना बहुत भीड़ रहता है, पता, बहुत ज्यादा भीड़ रहता है। देखो पूरा ना लाइट वगैरह लगे हुए हैं। तो भाई ये देखो यहाँ का, देखो डेकोरेशन यहाँ का, देखो मैंने बोला था ना मिनी स्टेडियम में ना बहुत अच्छा अच्छा अपने घर को डेकोरेट किया जाता है भाई, रईस लोगों का घर है यार, आप लोग भी अच्छा सपोर्ट करोगे तो हो सकता है आज ऐसा घर हम लोग का भी हो, और आप लोगों को हम भी बुलाएं। और ये देख रहे हो, ये देखो ये घर भी अच्छा दिख रहा है, डेकोरेट हुआ हुआ, और सामने सामने में और अंदर साइड भी, अंदर साइड भी घुसेंगे, पहले ना ये वाला रोड को कवर करते हैं। और ये घर भी देखो बहुत अच्छे तरीके से सजा हुआ है भाई, मस्त दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है। और ये घर भी देखो, हाँ, देखने लायक रहते हैं भाई, यहाँ के लाइटनिंग ना अच्छा करवाते हैं, घर भी अच्छे बड़े बड़े तो ना यहाँ पे ना लाइटनिंग भी अच्छा करवाते हैं। और ये वाला घर देखो भाई, घर है क्या है आई डोंट नो व्हाट इज दिस, सो जो भी है घर ही होगा। तो ये देख रहे हो यहाँ पे, और ये देखो पूरा लाइटनिंग वगैरह इतना सुंदर तरीके से कराया गया ना यहाँ पे, वाओ 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 मूवमेंट, हैशटैग वाओ। और ये देखो भाई ये बिल्डिंग, आहा कितना प्यारा दिख रहा है यार ये लाइटनिंग जो की है ना, और ये चीज भी बहुत प्यारा दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा प्यारा। और वहां वो वाले गली में मैंने देखा था कि वहां का भी अच्छा था, तो वहां पे चलते अभी। और यहाँ ग्राउंड पे कुछ लोग खेल रहे हैं, खेल रहे से याद आया भाई, वो कैरी मिनाटी का नया वीडियो ना, यहाँ हमारे बच्चे खेल रहे हैं, हम दुनिया को कैसे तैसे झेल रहे हैं और यहाँ पे हमारे बच्चे खेल रहे हैं। भाई ओपी कैरी मिनाटी ओपी। यहाँ का भी नमक दिख रहा है यार, सो कैमरा में भी कैप्चर हो रहा हो वो सब, सो देखता हूँ मैं। सो भाई यहाँ पे भी ये घर भी बहुत प्यारा दिख रहा है यहाँ पे भी। और अपन यहाँ से सीधा निकलते हैं, तो ये देखो गाइस ये सब देखो यार, हमारे टाइम में ना इतना हम लोग फटाका वटाका फोड़ते थे ना, और अभी ना यार उतना है नहीं, नहीं पता, आज हो सकता है कि गोवर्धन पूजा हो तो गांव गए हो लोग, बट भाई अपने टाइम में जो मजे थे ना वो कहीं नहीं थे भाई, मैं सच बता रहा हूँ, अपने टाइम में ना इतने फटाखा फोड़ते थे, इतने क्राउड रहते थे ना, और दिवाली का इतना क्रेज होता था ना अपने अंदर, वो आजकल बच्चे लोग क्या है यार, मोबाइल में घुसे रहते हैं, मोबाइल चाहिए बच्चे लोगों को, यूट्यूब देखना है, दुनिया भर की चीज़ें करनी है, और भाई बचपना मच्छी नो गाइस, मैं जितने भी पेरेंट्स बोल रहे हैं तो कम से कम उन लोगों को लिमिट में मोबाइल तो अगर दे भी रहे हो तो मोबाइल उनकी आदत मत बनाओ, है ना, मोबाइल आदत मत बनाओ गाइस। देखो सामने में अनार दाना वगैरह जल रहा है, बच्चे लोग ऐसे थे भाई, अपन ऐसी मोबाइल में घुसने भाई दिवाली में कम से कम मोबाइल में घुसने से अच्छा, देखो बच्चे लोग यहाँ मस्त दिवाली में जलावा ला रहे हैं, हाँ 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 अनार दाना, वो अलग ही मजे भाई, अलग ही मजे ना दिवाली में, ऐसी इसी यही तो है भाई दिवाली में, साल में एक बार आता है यार, एक हफ्ते का दिवाली मान लो,
और इसमें इंजॉय नहीं किए तो तुमने बचपना कहीं इंजॉय नहीं किया। तो कृपया करके मोबाइल छीने और फुलझड़ी और फटाके जलाने अपने बच्चों से दिवाली में। तो ये है क्या वाला किश कुछ है, और ये भी मत सजा हुआ है भाई, ये शायद रिसोर्ट वगैरह या कुछ तो है, कॉम्प्लेक्स जैसा है। अच्छा है ये भी सजा हुआ है, और यही चीज तो अच्छा लगता है भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ यही चीज तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत मजे आते हैं यार, बहुत मजे आते हैं दिवाली में, यही चीज के तो मजे हैं यार।